दोस्त सौ हार से बौखलाए विराट कोहली ने गुस्से में आकर लखनऊ के खिलाफ की बेंगलोर की घातक प्लेइंग 11 का ऐलान। जी हां दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ विराट कोहली ने बेंगलोर की टीम में काफी बड़े और चौंकाने वाले बदलाव करते हुए खूंखार प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और इस दौरान विराट कोहली ने उन सभी खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखा दिया है जो अभी तक शुरुआती तीनों ही मुकाबलों में अपने बल्ले और गेंद से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे और शुरुआती तीनों ही मुकाबलों में काफी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे और उनकी जगह ऐसे खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है जो इस महामुकाबले में लखनऊ की टीम को काफी बुरी तरह से हराने वाले हैं। तो दोस्तों, आखिरकार हार से बौखलाए विराट कोहली ने लखनऊ के खिलाफ बेंगलोर की ओर से कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है और किसे दिखाया बाहर का रास्ता और लखनऊ के खिलाफ क्या रहने वाली है बेंगलोर की फाइनल प्लेइंग 11, बताएंगे आपको पूरी खबर आज के इस वीडियो में। इसलिए दोस्तों, आज के इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि दोस्तों आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफी ज्यादा अहम होने वाला है। तो आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेकिन दोस्तों, उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि इस साल आईपीएल के खिताब को बेंगलोर की टीम अपने नाम करे तो इस वीडियो को दिल से एक लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, सबसे पहले आपको बता दें कि आईपीएल 2024 का 15वां मुकाबला बेंगलोर और लखनऊ के बीच 2 अप्रैल यानी कि आज शाम 7 बजे से खेला जाएगा और दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच यह महामुकाबला चिन्नास्वामी के मैदान पर खेला जाएगा और दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच यह महामुकाबला काफी ज्यादा रोमांचक होने वाला है क्योंकि दोस्तों जहां लखनऊ की टीम इस समय काफी शानदार फॉर्म में चल रही है और अपने पिछले मुकाबले में पंजाब की टीम को काफी बुरी तरह से हरा कर आई है तो वहीं बेंगलोर की टीम का प्रदर्शन अभी तक कुछ खास देखने को नहीं मिला है और अपने पिछले मुकाबले में बेंगलोर की टीम को इस मैदान पर कोलकाता के हाथों काफी शर्मनाक हार का सामना करना पड़ा था। ऐसे में दोस्तों विराट कोहली और उनकी सेना लखनऊ के खिलाफ इस महामुकाबले को किसी भी कीमत पर अपने नाम करना चाहेगी। लेकिन दोस्तों आपको बता दें कि लखनऊ की टीम को हराना आरसीबी के लिए इतना भी आसान नहीं होगा क्योंकि दोस्तों लखनऊ की टीम पिछले साल की तरह इस साल भी काफी कमाल का प्रदर्शन कर रही है और लखनऊ के सभी खिलाड़ी इस समय काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं। वहीं दोस्तों अगर दोनों ही टीमों के बीच आज तक खेले गए मुकाबलों की आंकड़ों की बात करें तो आपको बता दें आज तक दोनों ही टीमों के बीच कुल 4 मुकाबले खेले गए और उन 4 मुकाबलों में से 3 मुकाबलों में आरसीबी की टीम ने फतह हासिल की है तो वहीं लखनऊ की टीम केवल एक ही मुकाबले को जीतने में कामयाब हो पाई है। हालांकि दोस्तों इस साल लखनऊ की टीम बेंगलोर से कहीं ज्यादा बेहतर नजर आ रही है। ऐसे में दोस्तों दोनों ही टीमों के बीच यह महामुकाबला काफी ज्यादा कांटेदार होने वाला है। लेकिन आइए दोस्तों, अब जानते हैं कि विराट कोहली ने लखनऊ को कुचलने के लिए बेंगलोर की ओर से कौन कौन से खिलाड़ियों को खेलने का मौका दिया है और किसे दिखाया बाहर का रास्ता। दोस्तों अगर सबसे पहले बेंगलोर की ओपनिंग जोड़ी की बात करें तो आपको बता दें लखनऊ के खिलाफ बेंगलोर की ओपनिंग जोड़ी में कोई भी बदलाव देखने को नहीं मिलेगा। जहां दोस्तों लखनऊ के खिलाफ एक बार फिर बेंगलोर की टीम की ओर से ओपनिंग बैटल में विराट कोहली के साथ फाफ डुप्लेसी से बल्लेबाजी करते हुए नजर आएंगे और दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं आरसीबी के दोनों ही ओपनर बल्लेबाज ओपनिंग बैटल में आकर काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं। हालांकि दोस्तों डुप्लेसिस अभी तक अपने लय में नजर नहीं आए और शुरुआती तीनों ही मुकाबलों में वो अपने बल्ले से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जहां पंजाब के खिलाफ वो केवल 3 रन बनाने में कामयाब हो पाए थे तो वहीं कोलकाता के खिलाफ भी वो केवल 8 रनों की पारी खेलकर चलते बने थे। यानी अभी तक इस साल डुप्लेसिस का बल्ला पूरी तरह से खामोशी देखने को मिला है। ऐसे में दोस्तों आरसीबी के लिहाज से डुप्लेसिस का फॉर्म में आना काफी ज्यादा जरूरी है। हालांकि दोस्तों डुप्लेसिस काफी शानदार बल्लेबाज है, इसमें कोई संदेह नहीं है और पिछले सीजन में उन्होंने बेंगलोर की ओर से खेलते हुए काफी तूफानी और अहम पारियां खेली थी। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ सभी को डुप्लेसिस से शानदार बल्लेबाजी की उम्मीद होगी जबकि दोस्तों डुप्लेसिस के अलावा विराट कोहली समय काफी शानदार फॉर्म में चल रहे हैं और अपने बल्ले से जमकर कोहराम मचा रहे हैं और दोस्तों अभी तक हर एक मुकाबले में विराट कोहली ने काफी कमाल की पारियां खेली है। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जहां पंजाब के खिलाफ विराट कोहली ने 77 रनों की काफी अहम पारी खेलकर आरसीबी की जीत की पटकथा लिखी थी तो दोस्तों कोलकाता के खिलाफ भी विराट कोहली ने मात्र 59 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 4 शानदार छक्कों की मदद से 83 रनों की काफी तूफानी पारी खेली थी। हालांकि दोस्तों वो अपनी टीम को जीत दिलाने में नाकाम रहे थे। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ विराट कोहली एक विराट पारी खेलकर आरसीबी को विजय बनाने में अपना अहम योगदान देना चाहेंगे जबकि दोस्तों इन दोनों ही बल्लेबाजों के अलावा नंबर 3 पर ग्लेन मैक्सवेल खेलते नजर आएंगे और दोस्तों ग्लेन मैक्सवेल बेंगलोर की टीम के सबसे अहम खिलाड़ियों में से एक है और काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करने के लिए जाने जाते हैं। हालांकि दोस्तों इस साल अभी तक ग्लेन मैक्सवेल अपने बल्ले से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं और काफी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए हैं और कोलकाता के खिलाफ भी मैक्सवेल अपने बल्ले से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे और मात्र 19 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों की पारी खेलकर चलते बने थे। और दोस्तों कोलकाता के खिलाफ मैक्सवेल को 3 बार जीवनदान भी मिला था लेकिन उसके बाद भी वो अपनी पारी को बड़ी पारी में तब्दील करने में नाकाम रहे थे। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ विराट कोहली को मैक्सवेल से शानदार और तूफानी बल्लेबाजी की उम्मीद होगी जबकि दोस्तों मैक्सवेल के अलावा नंबर 4 पर एक बार फिर से रजत पाटीदार को खेलने का मौका मिला है। जी हां दोस्तों, लखनऊ के खिलाफ बेंगलोर की ओर से नंबर 4 पर एक बार फिर से रजत पाटीदार को खेलने का मौका मिला है और दोस्तों रजत पाटीदार शुरुआती तीनों ही मुकाबलों में काफी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। जी हां दोस्तों, आपको बता दें जहां चेन्नई के खिलाफ पाटीदार अपना खाता भी नहीं खोल पाए थे तो वहीं पंजाब के खिलाफ 18 तो वहीं कोलकाता के खिलाफ मात्र 3 रन बनाने में कामयाब हो पाए थे। यानी तीनों ही मुकाबलों में पाटीदार का बल्ला पूरी तरह से खामोश रहा था लेकिन दोस्तों इसके बाद भी विराट कोहली ने एक बार फिर से पाटीदार पर विश्वास दिखाया है और उन्हें लखनऊ के खिलाफ एक बार फिर से खेलने का मौका दिया है। हालांकि दोस्तों रजत पाटीदार काफी तूफानी बल्लेबाज है और जब इनका बल्ला चलता है तो फिर ये काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं और विरोधी टीम के गेंदबाजी क्रम को पूरी तरह से निचोड़ कर रख देते हैं। ऐसे में दोस्तों अब ये देखना काफी दिलचस्प होगा कि लखनऊ के खिलाफ रजत पाटीदार किस अंदाज में बल्लेबाजी करते हैं।
जबकि दोस्तों रजत पाटीदार के अलावा नंबर 5 पर कैमरून ग्रीन को बल्लेबाजी करने का मौका मिला है। हालांकि दोस्तों ग्रीन भी इस समय अपनी फॉर्म में नहीं है और अभी तक वो अपने बल्ले से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए हैं। हालांकि दोस्तों कोलकाता के खिलाफ ग्रीन ने मात्र 21 गेंदों का सामना करते हुए 4 चौके और 2 शानदार छक्कों की मदद से 33 रनों की पारी जरूर खेली थी, लेकिन दोस्तों ग्रीन एक शानदार बल्लेबाज है और बेंगलोर की टीम उनसे काफी उम्मीदें लगाकर बैठी है। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ ग्रीन को शानदार प्रदर्शन करके दिखाना होगा। हालांकि दोस्तों बल्लेबाजी के अलावा तीनों ही मुकाबलों में ग्रीन ने काफी किफायती गेंदबाजी की है और 2 सफलता भी अपने नाम की है। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ ग्रीन शानदार बल्लेबाजी के साथ साथ शानदार गेंदबाजी भी करना चाहेंगे, जबकि दोस्तों ग्रीन के अलावा नंबर 6 पर अनुज रावत खेलते नजर आएंगे और दोस्तों अनुज रावत भी काफी कमाल के बल्लेबाज है और चेन्नई के खिलाफ अनुज रावत ने काफी कमाल के बल्लेबाजी करके दिखाई थी और 48 रनों की काफी तूफानी पारी खेली थी। हालांकि दोस्तों उसके बाद पंजाब और कोलकाता के खिलाफ खेले गए मुकाबलों में अनुज रावत अपने बल्ले से कुछ खास कमाल कर नहीं पाए थे और काफी बुरी तरह से फ्लॉप साबित हुए थे। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ इस महामुकाबले में अनुज रावत शानदार बल्लेबाजी करते हुए आरसीबी को विजय बनाने में अपना अहम योगदान देना चाहेंगे और दोस्तों अनुज रावत के अलावा नंबर 7 पर एक बार फिर दिनेश कार्तिक खेलते नजर आएंगे और दोस्तों दिनेश कार्तिक आरसीबी की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी है। वो निचले क्रम में आकर फिनिशर की भूमिका भी अदा करते हैं और दोस्तों आरसीबी की टीम की ओर से अभी विराट कोहली के अलावा कोई और बल्लेबाज अगर फॉर्म में है तो वो दिनेश कार्तिक है, जिन्होंने अभी तक बेंगलोर की ओर से काफी कमाल की पारियां खेली है। जी दोस्तों आपको बता दें, जहां दिनेश कार्तिक ने चेन्नई के खिलाफ मात्र 26 गेंदों का सामना करते हुए 38 रनों की काफी अहम पारी खेली थी, तो वहीं पंजाब के खिलाफ भी दिनेश कार्तिक ने निचले क्रम में आकर मात्र 10 गेंदों का सामना करते हुए 28 रनों की काफी तूफानी पारी खेली थी, तो वहीं कोलकाता के खिलाफ भी दिनेश कार्तिक ने 8 गेंदों का सामना करते हुए 20 रनों का योगदान दिया था। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ अगर दिनेश कार्तिक को बल्लेबाजी करने का मौका मिलता है तो फिर लखनऊ के खिलाफ दिनेश कार्तिक एक तूफानी पारी खेलना चाहेंगे। तो वहीं दोस्तों दिनेश कार्तिक के अलावा नंबर 8 पर फिरकी गेंदबाज के तौर पर यश डागर को खेलने का मौका मिला है और दोस्तों यश डागर काफी कमाल के फिरकी गेंदबाज है और अभी तक शुरुआती तीनों ही मुकाबलों में यश डागर ने बेंगलोर की ओर से खेलते हुए काफी किफायती गेंदबाजी करके दिखाई है और तीनों ही मुकाबलों में यश डागर ने विरोधी टीम के बल्लेबाजों को पूरी तरह से बांध कर रखा था और उन्हें हाथ खोलने तक का भी मौका नहीं दिया था और कोलकाता के खिलाफ पिछले मुकाबले में यश डागर ने काफी शानदार गेंदबाजी करते हुए एक सफलता भी अपने नाम की थी। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ यश डागर शानदार गेंदबाजी करते हुए लखनऊ के बल्लेबाजों को काफी ज्यादा परेशान करने वाले हैं, जबकि दोस्तों यश डागर के अलावा नंबर 9 पर मोहम्मद सिराज को खेलने का मौका मिला है और दोस्तों मोहम्मद सिराज भी काफी खौफनाक गेंदबाज है। हालांकि दोस्तों अभी तक मोहम्मद सिराज उस लेवल में नजर नहीं आए जिसके लिए मोहम्मद सिराज जाने जाते हैं और अभी तक शुरुआती तीनों ही मुकाबलों में मोहम्मद सिराज काफी महंगे साबित हुए हैं और दोस्तों कोलकाता के खिलाफ पिछले मुकाबले में तो मोहम्मद सिराज को काफी ज्यादा मार पड़ी थी। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने 3 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 46 रन खर्च किए थे और कोई भी सफलता लेने में कामयाब नहीं हो पाए थे। हालांकि दोस्तों पंजाब के खिलाफ मोहम्मद सिराज ने 2 सफलता अपने नाम की थी। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ विराट कोहली को मोहम्मद सिराज से शानदार गेंदबाजी की उम्मीद होगी, जबकि दोस्तों नंबर 10 पर विराट कोहली ने एक बहुत बड़ा बदलाव कर दिया है। जी हां दोस्तों लखनऊ के खिलाफ विराट कोहली ने अल्जारी जोसेफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है, क्योंकि दोस्तों अल्जारी जोसेफ अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं और कोलकाता के खिलाफ पिछले मुकाबले में जोसेफ काफी महंगे साबित हुए थे। जी हां दोस्तों आपको बता दें कि कोलकाता के खिलाफ जोसेफ ने 2 ओवरों की गेंदबाजी करते हुए 34 रन खर्च किए थे। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ विराट कोहली ने अल्जारी जोसेफ को बाहर का रास्ता दिखा दिया है और उनकी जगह टॉम क्रेन को खेलने का मौका दिया है, जो कि काफी कमाल के गेंदबाज है और निचले क्रम में आकर काफी तूफानी अंदाज में बल्लेबाजी भी कर सकते हैं। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ अल्जारी जोसेफ की जगह टॉम क्रेन खेलते नजर आएंगे, जबकि दोस्तों नंबर 11 पर एक बार फिर यश दयाल को खेलने का मौका मिला है, जो कि काफी कमाल के गेंदबाज है। हालांकि दोस्तों यश दयाल भी अभी तक काफी महंगे साबित हुए हैं। ऐसे में दोस्तों लखनऊ के खिलाफ यश दयाल शानदार गेंदबाजी करना चाहेंगे। तो दोस्तों लखनऊ के खिलाफ यह रहने वाली आरसीबी की फाइनल प्लेइंग 11। लेकिन दोस्तों आप सभी को क्या लगता है, कौन सी टीम इस महामुकाबले पर फतह हासिल करेगी? कमेंट करके अपनी राय हमें जरूर दीजिएगा।